हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं मदर उड़ मंत्रा और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। देखिए, हम हर बार हर नई वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्री मेच्योर बेबीज़ के बारे में, उनकी केयर आपको कैसे करनी चाहिए। 5 टिप दूंगी जिसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, आपको बेबीज़ का टेम्परेचर चेक करना है, बॉडी टेम्परेचर चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो नॉर्मल बेबीज़ जो जन्म लेते हैं प्री मेच्योर थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनकी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ भी जाता है काफ़ी बार। तो जो बच्चों का टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 35 सेल्सियस से 37 सेल्सियस तक, इससे ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए प्रीमेच्योर का स्पेशली। अगर इससे ज़्यादा होता है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। बच्चों को आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखना है, क्योंकि ये बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं तो इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है। दूसरी चीज़, यानी कि दूसरी टिप जो आपको ध्यान रखनी है, वो है कंगारू केयर। कंगारू केयर में क्यों कह रही हूँ, आपने कंगारू को देखा होगा, वो अपने बच्चे को हमेशा अपनी छाती से चिपका कर रखती है। ऐसे ही जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपने प्री मेच्योर बच्चों को अपनी स्किन टू स्किन टच करानी होती है, जिससे बच्चे जो हैं वॉर्म्थ फील करते हैं और वो उनको ग्रोथ में हेल्प मिलती है। साथ ही साथ माँ को भी ब्रेस्ट फीड कराने में आसानी होती है और बॉडी में ब्रेस्ट फीड बनने के ज़्यादा चांसेस भी होते हैं जब प्री मेच्योर बेबी माँ की स्किन से कॉन्टैक्ट में आता है। तीसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को आपको बाहर नहीं ले जाना है, ख़ास तौर पर जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वो काफ़ी वीक होता है। ये बहुत जल्दी किसी भी इन्फेक्शन के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और अगर सर्दियों का मौसम है तो इन्हें बहुत जल्दी फ्लू लग जाता है और कई बार ऐसे केसेस में बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट भी कराना पड़ जाता है। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है बच्चों का सोने का पैटर्न। देखिए, प्री मेच्योर बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा जगते हैं और वो दिन के वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है और रात को वो नहीं सोते हैं, पूरी पूरी रात नहीं सोते और उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है रात के समय में। तो दिन में आप जब भी उन्हें सुलाएं तो आप, मैंने आपको बताया है कि अगर सर्दियां हैं तो आप रूम को एक नॉर्मल हल्का वार्म रखें और अगर गर्मियां हैं तो आप रूम को थोड़ा ठंडा भी रख सकते हैं, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर से नॉर्मल सा ठंडा। इससे बच्चे जो हैं वो अच्छी नींद में सोते हैं और उन्हें एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट में मिलता है। ये इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि जहाँ पर भी प्रीमेच्योर बच्चे होंगे वहाँ पर वेंटिलेशन होना भी ज़रूरी है। वहीं इन बच्चों को नहलाने का भी एक अलग तरीका होता है। नॉर्मल बच्चों को आप सोप या जो बेबी सोप्स आते हैं या बच्चों के जो भी लिक्विड सोप्स आते हैं उससे आप नहला सकते हैं, लेकिन प्रीमेच्योर बच्चों को आप गुनगुने पानी से नहलाएं, सादे पानी से नहलाएं, सिंपल पानी से नहलाएं, कोई भी सोप का इस्तेमाल ना करें। हो सके तो बच्चे को आप ज़्यादा स्पॉन्ज करें, बच्चे के बालों पर आप सादा पानी डालिए, उसके बालों पर किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ बच्चे को आप हर दिन स्पंज करें और रोज़ नहलाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। गुनगुने पानी से अगर आपने एक दिन नहलाया तो आप एक दिन छोड़कर बच्चे को स्पंज कर सकते हैं, फिर आप पानी से नहला सकते हैं। तो इन कुछ बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो प्री मेच्योर हुए होते हैं, और इनको आपको हर चीज़ से बचा कर रखना होता है, चाहे वो वेदर हो या फिर कोई इन्फेक्शन हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी चीज़ बच्चे को अटैक कर सकती है। इसलिए आपको इनकी केयर थोड़ी सी ज़्यादा रखनी होती है और माँ को हमेशा बच्चों के पास अवेलेबल होना ही चाहिए। माँ हमेशा बच्चे के पास रहेगी तो वो बच्चा हमेशा एक बॉन्ड क्रिएट करता रहेगा, साथ ही साथ वो बीमार भी कम पड़ेगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।